हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जबलपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बी हैव अपना भारतीय स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट ईपीसी थर्ड के भाग पांच को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका पाठ्यक्रम न केवल बीएड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने शिक्षक की भूमिका, मूल्यांकन प्रणाली आदि बिंदुओं पर चर्चा की, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का मूल उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे और आईसीटी का रूप क्या है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी किन किन रूपों में विद्यमान है आदि बिंदुओं पर चर्चा करें। पहले हम कार्य प्रणाली यानी मूल्यांकन की कार्य प्रणाली को जान लें। जैसा कि पिछली कक्षा में चल रहा था, मूल्यांकन की कार्य प्रणाली, जैसा कि दोस्तों बताया था हमने, मूल्यांकन की जो कार्य प्रणाली है, जैसे नंबर एक प्रदत्तों का एकत्रीकरण नंबर दो प्रदत्तों का विश्लेषण, नंबर तीन उपकरणों का चयन। नंबर चार शैक्षिक उद्देश्यों का चयन और नंबर पांच मूल्यांकन में गतिविधियों का चयन। यानी मुख्य रूप से जो कार्य प्रणाली होती है मूल्यांकन की, उसमें इन बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है, यानी इन बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन की कार्य प्रणाली निहित है। जैसे प्रदत्तों का एकत्रीकरण यानी कि आंकड़ों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण यानी कि जो प्राप्त आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करना, नंबर तीन है उपकरणों का चयन, यानी कि जो मूल्यांकन कार्य प्रणाली है उसके अंतर्गत जो उपकरण चयन करते हैं उनकी पूर्णतः विश्वसनीयता और वैधानिकता होनी चाहिए। जैसे हम दो बिंदुओं को पिछली क्लास में स्पष्ट कर चुके थे, तो तीसरा जो बिंदु है हमारा उपकरणों का चयन, यानी कि मूल्यांकन में उपकरणों का
चयन पूर्ण विश्वसनीयता एवं वैधानिकता वैधानिकता के यानी कि मूल्यांकन में उपकरणों का चयन पूर्ण विश्वसनीयता एवं वैधानिकता के साथ चयन करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो मूल्यांकन के अंतर्गत जिससे मूल्यांकन किया जा रहा है और उनके साथ जो उपकरण प्रयोग में लिए जा रहे हैं उन उपकरणों का जो चयन है वो वैधानिकता और विश्वसनीयता के साथ करना चाहिए, यानी कि उनमें पूर्ण वैधानिकता होनी चाहिए और पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय में जो पूर्ण विश्वसनीयता और वैधानिकता का जो उदाहरण है तो वो है ओएमआर सीट, यानी कि मूल्यांकन जब ओएमआर सीट से किया जाता है तो पूर्ण विश्वसनीय माना जाता है, यानी कि मूल्यांकन कार्य प्रणाली के अंतर्गत जो भी उपकरण में काम में लिए जाए उनकी पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधानिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन, यानी मूल्यांकन कार्य प्रणाली के अंदर का जो शैक्षिक उद्देश्यों का चयन है वो हमेशा विषय वस्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्यों का चयन होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन। दोस्तों सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा मूल्यांकन प्रविधि का जो चयन है वो उद्देश्यों के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्यों का चयन विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए उसी प्रकार यानी कि जो मूल्यांकन प्रविधियों का चयन है वो उद्देश्यों के आधार पर होना चाहिए, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना चाहिए। ये थे दोस्तों हमारे मूल्यांकन कार्य प्रणाली के बिंदु, यानी कि इन इन बातों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वह है शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी
के उद्देश्य यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और तकनीकी के उद्देश्य क्या हैं, यानी कि आईसीटी के उद्देश्य क्या हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का, तो वो ये आता है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा। जैसे कि हम और आप अब ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वैश्विक बीमारी के तहत हम शिक्षा को सुचारू रख सकते हैं, निरंतर चालू रख सकते हैं। किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से। तो कहने का मतलब आईसीटी का जो उद्देश्य है वो है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे कि सबको शिक्षा घर बैठे मिल सके। और इसके अलावा तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र के संवर्धन के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों का बढ़ावा देना, विभिन्न तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना, विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाना। आईसीटी का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि विद्यार्थी को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाया जाए आईसीटी के माध्यम से। कहने का मतलब उनको रोजगार को उन्मुख और कौशल परक शिक्षा तकनीकी माध्यम से दी जाए, जिससे कि विद्यार्थी सक्षम बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा जो आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं आईसीटी के माध्यम से, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे नंबर एक, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा। कहने का मतलब दोस्तों, शिक्षा में सूचना और तकनीकी के उद्देश्य जो हैं, वो ये उद्देश्य हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अधिक से अधिक ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे निजी क्षेत्र एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको क्लियर कर लें आप। यानी कि स्टेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल
टेक्नोलॉजी। यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाए जिससे शिक्षण को प्रभावशाली एवं सुगम बनाया जा सके। यानी कि निजी क्षेत्र एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाए जिससे शिक्षण को प्रभावशाली एवं सुगम बनाया जा सके। यानी कि यह इसका पहला उद्देश्य बनता है। नेक्स्ट है तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। यानी कि दोस्तों जो आईसीटी है, आईसीटी के माध्यम से यानी विभिन्न तकनीकी उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों कार्य में पाठ्यक्रम से संबंधित, शिक्षण शास्त्र से संबंधित संवर्धन हो सके, विकास हो सके, प्रभावशाली ढंग से प्रेषित हो सके। यानी कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र के संवर्धन में, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शिक्षण साथ के संवर्धन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब दोस्तों जो तकनीकी उपकरणों का प्रयोग है वो अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, यानी शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। उसके लिए यानी शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण साथ के संवर्धन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता
आईसीटी का जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख एवं कौशल परक शिक्षण तकनीकी माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब आत्मनिर्भर जो विद्यार्थी है वो कब बनेगा, यानी कि विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख एवं कौशल परक शिक्षण तकनीकी माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो शिक्षण कार्य है उसको पूर्णतः कैसा बनाया जाए, रोजगारोन्मुख बनाया जाए और कौशल परक बनाया जाए और तकनीकी माध्यमों का उनमें प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है सक्षमता, यानी कि जो आईसीटी है वो एक ऐसा शिक्षण प्रदान करती है, ऐसी सामग्री प्रदान करती है जिससे कि विद्यार्थी अपने आप में सक्षम बने। जैसे विद्यार्थियों के कौशल विकास से विद्यार्थियों की तकनीकी सक्षमता में वृद्धि होती है जिससे जिससे विद्यार्थी सक्षम बनते हैं, यानी कि विद्यार्थियों के कौशल विकास से विद्यार्थियों की तकनीकी सक्षमता में वृद्धि होती है जिससे विद्यार्थी सक्षम बनते हैं। कहने का मतलब जब विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करते हुए, आईसीटी का प्रयोग करते हुए कौशल परक रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित है कि जो बालक की सक्षमता है उसमें वृद्धि होगी और बालक सक्षम बनेगा। नेक्स्ट है विकलांग बालकों का विकास,
यानी कि दोस्तों सामान्य बालकों का विकास आईसीटी करती है, लेकिन साथ साथ विकलांग बालकों का भी विकास आईसीटी के अंतर्गत निहित है, जिसका सर्वाधिक फायदा विकलांग विद्यार्थियों को मिलता है। यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालकों बालकों का सूचना एवं विकलांग विकलांग बालकों का सूचना एवं संप्रेषण के माध्यम से चहुमुखी चहुमुखी विकास करना। कहने का मतलब विकलांग बालकों का विकास आईसीटी के माध्यम से किया जा सकता है, और वो अधिक से अधिक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालकों का सूचना एवं संप्रेषण के माध्यम से चहुमुखी विकास किया जा सकता है विकास किया जा सकता है। यानी कि यह इसका एक उद्देश्य बन जाता है, यानी आईसीटी का प्रमुख उद्देश्य बन जाता है कि विकलांग बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि कराने में सक्षम है। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा दोस्तों आईसीटी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा। यानी कि कहने का मतलब भारतीय शिक्षण प्रणाली हमारी कैसी है, शिक्षक केंद्रित प्रणाली है, तो उस शिक्षक केंद्रित प्रणाली के स्थान पर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देना आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि भारतीय शिक्षण भारतीय परंपरागत शिक्षण शिक्षक केंद्रित भारतीय परंपरागत शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली शिक्षण प्रणाली के स्थान पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी
केंद्रित शिक्षण प्रणाली का विकास करना, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा। इसका जो आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि भारतीय परंपरागत शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली के स्थान पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रणाली का विकास करना। कहने का मतलब शिक्षक केंद्रित प्रणाली के स्थान पर विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली का विकास करना, जिससे कि शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावशाली बन सके। तो ये थे दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में, यानी कि जो हमारे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्देश्य है वो प्रमुख रूप से इन बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।